स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू शॉर्ट आंसर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द बॉय हु ब्रोक द बैंक फ्रॉम योर बुक द लिटरेरी पैटल इन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्टिव इंग्लिश क्लास प्लस टू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट जो है वो है, व्हाट वाज सेठ गोविंद राम्स रेपुटेशन एज अ बिजनेसमैन। एक व्यापारी के तौर पे, बिजनेसमैन के तौर पे सेठ गोविंद राम के जो रेपुटेशन थी वो कैसी थी। सेठ गोविंद राम डिड नॉट इंजॉय अ गुड रेपुटेशन एज अ बिजनेसमैन। सेठ गोविंद राम की रेपुटेशन एज ए बिजनेस मैन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हिज कैजुअल बिजनेस डीलिंग्स हैड ऑफन ब्रॉट हिम टू द वर्ज ऑफ रियन, और उसकी जो कैजुअल मीटिंग्स थी उसने हमेशा उसे बर्बादी की तरफ धकेला था। वर्ज मीन्स होता है सिचुएशन इन विच अ पर्सन हैज लॉस्ट ऑल हिज रेपुटेशन और मनी। ठीक है, ही डिड नॉट पे रेगुलर सैलरी इवन टू द स्वीपर बॉय। यहाँ तक कि वो जो उसका स्वीपर बॉय था उसको भी उसका वेतन जो था समय पर नहीं देता था। वट वॉज नाथू राम्स प्रॉब्लम। अब नाथू राम कौन था? नाथू राम द स्वीपर बॉय एट द पीपल नगर बैंक वॉज नॉट पेड हिज सैलरी रेगुलरली। अब नाथू राम कौन था? यही स्वीपर बॉय था पीपल नगर बैंक में, जो कि सेठ गोविंद राम ने ऑन किया हुआ था। ठीक है, और उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसको उसकी सैलरी जो थी वो नियमित तौर पे नहीं मिल रही थी। अ पे रेज ऑफ 5 रुपीज अ मंथ हैड बिकम अ सेकेंडरी क्वेश्चन फॉर हिम। और दूसरा उसके लिए सवाल ये भी था कि मंथली पे में वो 5 रुपये जो बढ़ोतरी चाहता था, ही वॉज इन मोड टू लीव द जॉब। और अब क्योंकि उसको उसके वेतन में इंक्रीमेंट भी उसको इंक्रीमेंट में नहीं मिल रहा था, उसको जॉब भी नहीं सही जो अच्छे से मिल रही थी, सैलरी भी अच्छे से नहीं मिल रही थी, तो फिर क्या था, उसने सोचा कि क्यों ना इस जॉब को छोड़ दिया जाए। इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पुअर बॉय हुज सैलरी हैड बीन हेल्ड अप। और ये उस गरीब लड़के के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी जो वेतन था वो रोक लिया गया था। हाउ डिड फैज हुसैन द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप टेक द न्यूज़ ऑफ द बैंक्स कोलैप्स। बैंक के कोलैप्स होने की न्यूज़ को जो बार्बर शॉप का कीपर था, मालिक था फैज हुसैन, उसने जो था वो किस तरह से लिया। फैज हुसैन द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन व्हेन ही केम टू नो अबाउट फ्रॉम मिस्टर किशोर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक हैड कोलैप्स्ड। अब फैज हुसैन जो था, जो नाई की दुकान चलाता था, वो एक जो एल्डरली पर्सन था उसके हेयर कटिंग कर रहा था, बाल काट रहा था, जब उसको मिस्टर किशोर ने बताया कि सेठ गोविंद राम का बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया है। कोलैप्स मीन्स होता है कि सडन कंप्लीट फेलियर ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक की बात हो रही है, तो बैंक उसका जो था वो फेल हो गया था। ही वॉज सो स्टार्टल्ड मीन्स शॉक्ड एट द न्यूज़। उसे इस न्यूज़ पे इतना दुख हुआ दैट ही निक्ड। निक्ड मीन्स होता है टू मेक अ वेरी स्मॉल कट हिज कस्टमर्स ईयर। उसने अपने कस्टमर जिसके वो बाल काट रहा था उसके जो कान पे छोटा सा कट लगा दिया था। हाउ डिड पीपल डिस्पर्स इन द इवनिंग। डिस्पर्स मतलब बिखर जाना, लोग जो शाम को कैसे बिखर गए थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड असेंबल्ड टू टेक आउट देयर मनी फ्रॉम पीपल नगर बैंक। बहुत सारे लोग बैंकरप्सी की जो न्यूज़ थी उसको सुन के बैंक की तरफ बड़े ही पैनिक में भाग गए थे अपने अपने पैसे लेने के लिए। बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। द न्यूज़ हैड स्प्रेड दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक वाज अबाउट टू कोलैप्स। और न्यूज़ क्या थी कि सेठ गोविंद राम का बैंक जो फेल हो गया है, एट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द बैंक, जब बैंक के क्लोज होने का समय था, द मैनेजर केम आउट ऑफ द डोर। जो मैनेजर था बैंक का वो दरवाजे से बाहर आया एंड डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी। और उसने ये घोषणा की कि बैंक के पास बहुत सारे पैसे हैं, दैट दे कुड विथड्रॉ ऑल दे वांटेड द फॉलोइंग मॉर्निंग। और उसने लोगों को कहा कि वो अगली सुबह आए और अपने पैसे जो निकलवा के लेके जा सकते हैं। हाउएवर द पीपल वर इन नो मोड टू लिसन टू हिम। लेकिन जो लोग थे वो इतने घबराए हुए थे कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। अ फ्यू स्टोन्स वर थ्रोन। कुछ एक पत्थर फेंके गए। द मैनेजर हैड टू गो इनडोर। इसलिए जो मैनेजर था उसको बैंक के अंदर वापस जाना पड़ा। द आयरन ग्रिल गेट वॉज क्लोज्ड। और जो बैंक का आयरन ग्रिल वाला गेट था उसको भी बंद कर दिया गया। एज द मॉब बिकेम मोर
रेस्टलेस, क्योंकि जो मॉब मीन्स होते हैं लार्ज क्राउड, ठीक है, ऑफ पीपल, तो वो जो बहुत सारे लोगों की भीड़ थी वो बहुत बेचैन थी और वो वायलेंट हो सकती थी. द पुलिस अराइव्ड एट द सीन, तो वहाँ पे पुलिस आई एंड पुश्ड द क्राउड बैक, और पुलिस ने जो क्राउड थी, भीड़ थी, उसको पीछे धकेला. ग्रेजुअली एवरी वन डिस्पर्ड, और धीरे धीरे हर कोई जो था वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया था, शाउटिंग, ये चिल्लाते हुए, दैट दे वुड बी बैक इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह दोबारा वापस आएंगे. वट वॉज नाथूराम्स रिएक्शन एज ही सा द बैंक स्टेप्स फुल ऑफ स्टोन्स. अब जो स्वीपर बॉय था नाथूराम, जो वो बैंक में सफाई का काम ले गया अगले दिन, तो उसका क्या प्रतिक्रिया थी बैंक की सीढ़ियों पर बहुत सारे पत्थरों को देखते हुए. द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग नाथूराम केम टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक. जो नाथूराम था वो बहुत सुबह सुबह जो था बैंक की सीढ़ियाँ साफ करने के लिए आया. एज ही सा बैंक स्टेप्स फुल ऑफ स्टोन्स ही कर्स द गुंडास. जैसे ही उसने देखा कि बैंक की सीढ़ियों पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो उसने बदमाशों को जो था कोसा, हु हैड डन ऑल दिस, जिन्होंने ये सब किया था, ही थॉट दैट ही वुड हैव टू सफर एन इंक्रीज ऑफ वर्क. और उसको लगा कि अब उसका काम और भी बढ़ गया, क्योंकि उसको पत्थर उठाने पड़ने थे और फिर उसके बाद उसको सफाई करनी थी. हाउ डिड सीताराम स्टार्ट द र्यूमर रिगार्डिंग द बैंकरप्सी ऑफ द बैंक. अब सीताराम कौन था जिसने कि बैंक के जो बैंकरप्सी के बारे में बताया था. सीताराम द वॉशरमैन सन. सीताराम कौन था, धोबी का लड़का था. ओवर हर्ट अ वीमैन, उसने एक औरत को कहते हुए सुना था, मिसेस प्रकाश, जिसका नाम मिसेस प्रकाश था, दैट कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सम वन टू स्वीप द कोर्ट यार्ड, कि कोर्ट यार्ड को साफ करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल था. सीताराम टोल्ड हर दैट अ स्वीपर बॉय माइट बी एबल टू वर्क फॉर हर फॉर द फॉलोइंग मंथ. और सीताराम जो कि नाथूराम का दोस्त भी था, उसने कहा मिसेस प्रकाश से कि अगले महीने ना आपको आपका कोर्टयार्ड साफ करने के लिए जो है एक बंदा मिल जाएगा. द स्वीपर वॉज विद द सेठ गोविंद राम्स बैंक, और वो जो है सेठ गोविंद राम की बैंक में काम करता है. बट दे वर नॉट गिविंग हिज पे, लेकिन बैंक जो है उसे उसकी तनख्वाह नहीं दे रहा है, एंड ही वॉन्टेड टू लीव, इसलिए वो वहाँ से काम छोड़ना चाहता है. सीताराम एडेड दैट द बैंक पीपल मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी. सीताराम ने कहा कि बैंक के लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द र्यूमर ऑफ द बैंकरप्सी ऑफ द बैंक. और यहीं से ये अफवाह शुरू हो गई थी कि बैंक जो है वो फेल हो गया है. व्हाट रोल डिड मिसेस प्रकाश प्ले इन स्प्रेडिंग द न्यूज, और हाउ डिड र्यूमर रिगार्डिंग द बैंकरप्सी ऑफ द बैंक स्प्रेड. अब जो मिसेस प्रकाश थी, उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी ये अफवाह फैलाने में कि बैंक जो है वो फेल हो गया है, या फिर जो बैंकरप्सी थी उसके अफवाह जो थी वो कैसे फैल गई थी. ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. द लर्निंग फ्रॉम सीताराम द वॉशरमैन सन दैट सीट गोविंद राम्स बैंक वॉज शॉर्ट ऑफ मनी. मिसेस प्रकाश कन्वेड द न्यूज टू हर फ्रेंड मिसेस भूषण. अब सीताराम ने जो धोबी का लड़का था उसने ये बात मिसेस प्रकाश को बताई थी कि सेठ गोविंद राम का बैंक जो है उसमें पैसे की कमी हो गई है, और यही बात मिसेस प्रकाश ने अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण को बता दी थी. शी सेड दैट द बैंक कुड नॉट पे इट्स एम्प्लॉय, और उसने कहा कि बैंक अपने कर्मचारियों को पैसे नहीं दे सकता है, तनख्वाह नहीं दे सकता है. शी एडेड दैट द बैंक स्वीपर बॉय हैड नॉट बीन पेड फॉर 2 मंथ्स, और उसने कहा कि जो बैंक का स्वीपर बॉय है ना, उसको भी, सफाई कर्मचारी है, उसको भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है. इन दिस वे शी स्प्रेड र्यूमर ऑफ द बैंकरप्सी, और इस तरह से उसने ये र्यूमर जो था वो फैला दिया था कि बैंक जो है वो फेल हो गया है. हाउ एंड वाई डिड एलरली जेंटलमैन इन द बार्बर्स चेयर रिएक्ट ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द बैंक थ्रेटन्ड कोलैप्स. अब जब वो बंदा जो कि नाई की दुकान पर बैठ के कटिंग करवा रहा था, जब उसको ये बात पता लगी कि बैंक फेल हो गया, तो उसने कैसे रिएक्ट किया. When the elderly gentleman heard the news of the bank's threatened collapse, he felt distressed. वो बहुत ही बेचैन हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, उदास हो गया. With one side of his neck still unshaved, अभी उसका एक तरफ से ही शेविंग हुआ था, दूसरी साइड से उसका शेव नहीं हुआ था गला. नेक
ठीक है, ही लीप्ड आउट ऑफ हिज चेयर, वो अपनी चेयर से कूदा, ही स्पैट अक्रॉस द रोड टू अ जनरल मर्चेंट स्टोर, और वो एक जनरल मर्चेंट स्टोर पे गया, ही डायल्ड सीट गोविंद राम्स नंबर, और उसने सीट गोविंद राम जो था उसका नंबर डायल किया था, सीट वॉज नॉट एट होम, सीट जो था वो घर पे ही नहीं था, ही हरिड बैक टू द बार्बर शॉप, वो फिर से नाई की शॉप पे गया जल्दी से, एंड सेट, और कहा द बर्ड हैड फ्लॉन, कि जो पंछी है वो तो उड़ गया, यानी कि सेठ गोविंद राम उनके पैसे लेके भाग गया, ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप एंड वेंट स्ट्रेट टू द ऑफिस, टू हिज ऑफिस टू गेट हिज चेक बुक टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और फटाफट वो अपनी ऑफिस में गया अपनी चेक बुक लेने के लिए ताकि वो बैंक से पैसे निकलवा ले। हाउ डिड गणपत एस्टोनिश एवरीवन, अब ये गणपत नया कैरेक्टर आ गया। गणपत कौन है? गणपत एक बैगर है, ठीक है, ही हैड अ क्रूक्ड लेग, उसकी एक टांग खराब है यानी कि हैंडीकैप्ड है एक टांग से वो, ही हैड बीन स्क्वैटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर इयर्स कॉलिंग फॉर आर्म्स, और वो बहुत सालों से भीख मांग रहा है फुटपाथ पर, ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, और उसने कभी चल के देखा ही नहीं, बट नाउ लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कलैप्स, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन बाय लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग टूवर्ड्स द बैंक, जो गणपत राय था वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और बैंक की तरफ भागा, और इस तरह से सब लोग उसको इस तरह से भागते हुए देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि सबको तो ये लगता था कि वो हैंडीकैप्ड है, चल नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता है, और वो सबसे भीख मांगता था। इट सून बिकेम नॉन दैट ही हैड ओवर 1,000 रुपीज़ इन सेविंग, और सबको पता लग गया कि उसके बैंक में ना हजारों से हजारों पैसे जो हैं वो जमा है। एक्सप्लेन इन 5 to 6 sentences ओनली द काउटिक सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द न्यूज ऑफ द कलेप्स ऑफ द बैंक, द न्यूज ऑफ द कलेप्स ऑफ सीट गोविंद राम्स बैंक हैड क्रिएटेड अ काउटिक सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द बैंक, अब एक काउटिक सिचुएशन जो थी इस न्यूज़ ने फैला दी थी कि सेठ गोविंद राम का बैंक जो है वो फेल हो गया है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड असेंबल्ड टू विदड्रॉ देयर मनी, बहुत सारे लोग बैंक के सामने खड़े हो गए थे अपने पैसे निकलवाने के लिए, मैन स्टूड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द सिचुएशन, लोग जो थे वो ग्रुप्स में खड़े हो गए थे और उस परिस्थिति के बारे में जान रहे थे, सम ऑफ द देम हेल्ड द सीट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मैस दैट हैड बीन क्रिएटेड, और सारे कुछ एक लोग जो थे वो सेठ गोविंद राम को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे जो भी वहाँ पे मतलब ये मेस क्रिएट हुआ था। वन ऑफ द मैन सेड दैट द सीट हैड रन अवे फ्रॉम द स्टेट, एक बंदे ने कहा कि जो सेठ है ना वो स्टेट से भाग गया है, प्रांत से भाग गया है, अनदर मैन डिक्लेयर दैट ही हैड लेफ्ट द कंट्री, दूसरा कहता नहीं नहीं वो प्रांत से नहीं भागा, वो तो देश से ही भाग गया है, अदर्स इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन द टाउन, कुछ एक ने कहा कि नहीं ना वो स्टेट से गया है ना वो ये कंट्री से गया है, वो इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है, देयर वॉज ऑल्सो रूमर दैट द सीट हैड हैंग हिमसेल्फ फ्रॉम अ ट्री, और ये भी अफवाह थी कि सीट ने अपने आप को फंदा लगा लिया है एक वृक्ष पे लटका के। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर द बॉय हु ब्रोक द बैंक, लेकिन मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी वीडियो में दिया हुआ है। इस सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम में समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को भी देखें, इसका एक्सप्लेनेशन देखें, और फिर इस वीडियो को आप एक बार में ही समझ जाएंगे, देखने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।